कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन आज पढ़ेंगे जनसंख्या। तो जनसंख्या सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जनगणना हमारे देश के लिए जनसंख्या संबंधी जानकारी प्रदान करता है। मतलब अपने देश में जो जनगणना होती है वह देश की जनसंख्या को क्या करता है, उससे संबंधित सारी जानकारी देता है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या को आधिकारिक गणना क्या कहते हैं, यहाँ पर जनगणना कहते हैं। तो बच्चों, भारत में पहले 1872 में जनगणना की गई थी और 1881 में जब पहली बार जनगणना हुई तो एक संपूर्ण जनगणना की गई। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। मतलब जो भारत की जनगणना है वह 10 वर्ष का जो अंतराल है, 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। 2001 तक की जनगणना में 221.6 करोड़ थी अपनी जनसंख्या। अब विश्व में कुल जनसंख्या का 17.5% है। इससे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा देश, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। वहाँ की जनसंख्या 19.90 करोड़ है। मतलब यहाँ देश के जो यहाँ प्रदेश में 16% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है, 19.90 करोड़ है। यहाँ पर देश के 16% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग है। और इसके बाद हो गया बेटा जनसंख्या सामाजिक विज्ञान का क्या है, महत्वपूर्ण तत्व है। अपन बेटा सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या के अंतर्गत जो है छोटे छोटे प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से अपन को छोटे छोटे प्रश्नों का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण निम्नलिखित कारण से है। तो ये जो भारत की जन्मस्थली है, जलवायु आधारभूत अवसर की भारत में क्या है, असमान वितरण के कारण। फिर सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक लोगों को जनसंख्या नियमित रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहला है सुविधा के लिए विकास के लोग आरामदायक जीवन दिया गया है। जो सुविधाएं हैं उसके विकास से लोगों को क्या दिया है, आरामदायक जीवन क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के कारण मृत्यु दर में लगातार क्या हुई है, घटी है। यही कारण है कि मृत्यु दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या को नियमित रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहला प्रश्न है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। तो भारत में जो असमान वितरण है उसका सबसे मुख्य कारण है, निम्नलिखित कारण है। पहला है स्थलाकृति, जहाँ मतलब स्थलाकृति कैसी, वहाँ की जलवायु। फिर तीसरा है आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि। और फिर उसके बाद चौथा है रोजगार के अवसर। तो ये भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण है। और जनसंख्या में नियमित रूप से जो वृद्धि दर में कमी, ये पता चलता है कि दशक में लोगों की जनसंख्या नियमित रूप से क्या हो रही है, ऐसा क्यों, जिसके लिए वहाँ पे जो सुविधाएं हैं विकास के लिए है, लोगों के आरामदायक जीवन प्रदान किया है और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के कारण मृत्यु दर में लगातार क्या हुआ है, घटा है। यही कारण है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद दशक में प्रत्येक दशक के लोगों में नियमित रूप से क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद है इस प्रकार की विभिन्न मतलब लिंगानुपात के अनुसार क्या कारण हो सकता है। तो इस भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में बेटा भारतीय समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। भारत में सभी लड़कों की इच्छा
और भिन्नता का सबसे मुख्य कारण है सामाजिक संरचना। तो भारतीय समाज कैसा कैसा समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। और भारत में अभी भी लड़कियों को इच्छा लड़कों की इच्छा रखते हुए ही जिसके कारण से स्त्रियों में भ्रूण हत्या व्याप्त है और दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाता है। फिर इसके बाद है दूसरा भिन्नता का कारण अशिक्षा। तो भारत में शिक्षा का स्तर कैसा है? निम्न है। और यहाँ पर उच्च शिक्षा का अभाव और कहती हुई लड़कियों के शिक्षा में मतलब भेदभाव किया जाता है। केरल के लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज के लिए नियमों का पालन किया है। केरल में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1058 है। इसके बाद है बेटा नीचे दिए गए चार विकल्पों में से एक सही विकल्प, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटा सा छोटे छोटे प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो पहला है प्रस्थान करने की वाला, दूसरा है आगमन करने वाला, तीसरा है प्रस्थान एवं आगमन दोनों के क्षेत्र में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये चौथा वाला ये आपका है प्रस्थान व आगमन दोनों के क्षेत्र में। तो जो प्रवास क्षेत्र है आबादी की संख्या वितरण और फिर इसके बाद है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर और उच्च जीवन दर और अधिक विवाह में चोरी, ये चार ऑप्शन है बेटा। उसमें से उच्च जन्म दर जो जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात जिससे निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? जो उच्च ज्यादा जन्म दर है बच्चों की उच्च जन्म दर है वह इसका परिणाम है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की दर और चौथा है प्रति 1000 पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या। तो एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या है वह क्या है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है। उसके बाद बेटा जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति जो अपने नाम से पढ़े एवं लिखे, जो किसी की भाषा को पढ़े व लिखे, जिसकी उम्र 7 वर्ष हो तथा किसी भी भाषा के समझने में उसे तक पढ़ना पढ़ लिख सके, मतलब किसी भाषा को समझ सके और उसको पढ़ लिख सके, जो पढ़ना लिखना व अंकगणित तीनों जान सके। तो इसके लिए जिसकी उम्र कितनी है? 7 वर्ष है, तब किसी भी भाषा को समझ सकता है और पढ़ लिख सकता है। निम्नलिखित के साक्षर मतलब सापेक्ष में आपको उत्तर देना है। ये बेटा 1 नंबर के प्रश्न है, आपने अभी 1 नंबर के प्रश्न देखे, अभी 2 नंबर के प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करो। तो सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक, जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य घटक है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। आपको बता दूं जन्म दर और मृत्यु दर, तो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। और प्रवास किसे कहते हैं? मतलब प्रवास किसे कहते हैं? जो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। फिर 1981 में भारत में जनसंख्या वृद्धि का वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो 1981 में भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म दर में तेजी से कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि कैसी हुई? वृद्धि दर क्या हुई? घट गई। फिर आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कर
संख्या होती है वहां पे आयु संरचना, वहां के विभिन्न आयु समूह के लोगों को और संख्याओं को क्या करता है, बताता है। जैसे एक वर्ष में प्रति व्यक्ति जितने जीवित बच्चों को जन्म देते हैं होता है उससे जन्मदर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति जितने जीवित बच्चों को जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, जन्मदर कहा जाता है। तो एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्ति के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब एक वर्ष प्रति में प्रति हजार व्यक्ति को मरने वालों की संख्या कितनी है उसे क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक, तो जो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है तो लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहते हैं। मतलब जो बच्चों लोग रहते हैं अगर उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो उसे कहते हैं प्रवास। तो प्रवास जनसंख्या के परिवर्तन का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या के आकार को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र और लिंग से दृष्टिकोण से नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में क्या करता है, परिवर्तन करता है। फिर है जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन के बीच क्या अंतर है, इसका अर्थ होता है जनसंख्या वृद्धि का इसका अर्थ होता है किसी विशेष समय पे अंतराल में किसी देश राज्य को निवासी जनसंख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है जैसे जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि और आप्रवास। फिर है जनसंख्या परिवर्तन, तो किसी विशेष समय अवधि के दौरान संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को क्या करता है, ये दर्शाता है। और जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या है उसके परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक है जैसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास और आप्रवास। तो ये हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन में अंतर। फिर व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध होता है, जो व्यावसायिक संरचना होती है और विकास, तो किसी भी देश के विकास में उसकी आबादी व्यावसायिक संरचना के प्रति क्या है, संबंधित है। जो व्यावसायिक संबंध किसी भी देश का विकास उसकी आबादी और उसकी व्यावसायिक संरचना का क्या है, संबंधित रहता है। और विकासशील देशों के प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे हो गया कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, वानिकी मछली पालन, ये जो प्राथमिक क्षेत्र क्रियाकलाप हैं इसके अंतर्गत आती हैं कृषि पशुपालन वानिकी और मछली। तो ये कार्यरत करने के क्या है अनुपात क्या होता है, इसे कार्यरत करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है जबकि विकसित देशों में जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र उसके अंतर्गत क्या आएगा, उद्योग भवन निर्माण कार्य परिवहन संचार वाणिज्य और प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं ये कार्य करने वाले लोगों का क्या होता है, इस पे संख्या का अनुपात होता है। तो जो व्यवसायिक संरचना और विकास के बीच जो संबंध होते हैं वो इसमें प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के माध्यम से होते हैं। उनमें आपको बता दूं प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है अपना कृषि पशुपालन वानिकी आ जाता है और उसके बाद द्वितीय तृतीय क्षेत्र में आते हैं तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं उद्योग भवन निर्माण कार्य और परिवहन और वाणिज्य प्रशासन। ये सब कार्य करने के लोगों की संख्या का अनुपात कैसा होता है, अधिक होता है। उसके बाद बेटा ये आपका छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से दो नंबर वाले प्रश्न होंगे। फिर जनसंख्या के कैसे लाभकारी, मतलब जो स्वास्थ्य जनसंख्या कैसे लाभकारी है, तो स्वास्थ्य जनसंख्या के लिए निम्नलिखित लाभ है, तो एक है अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत अधिक कुशल और उत्पादक होगा। मतलब जो भी अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी तुलना में जो स्वस्थ व्यक्ति है वह कैसा होगा, अधिक कुशल होगा और कैसा होगा, उसकी कार्यक्षमता भी कार्यक्षमता अधिक होगी तो उसका उत्पादक कार्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। फिर उसके बाद बेटा एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानने के काबिल होता है। अरे आप ही उदाहरण ले लीजिए, अगर आप स्वस्थ रहते हो तो अच्छे से पढ़ते हो, है ना, तो एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचानने के काबिल होता है। अपन अगर स्वस्थ होंगे तो अपन को अच्छे से पढ़ने में मन लगेगा, अपन को याद करने की क्षमता अच्छी होगी। तो ये समाज
क्या होती, कम रहती। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप छुट्टी कम लेंगे और आपकी अनुपस्थिति भी कैसी होगी, कम होगी। इसलिए स्वस्थ कर्मचारी की अनुपस्थिति कैसी होती है, कम होती है। तो ये आपका हो गया बेटा स्वास्थ्य जनसंख्या से कैसे लाभकारी है, मतलब अपना जो स्वास्थ्य है अपने लिए कितना लाभकारी है। तो व्यक्तियों क्या बनाता है, आपको सुदृढ़ बनाता है ना। उसके बाद हो गया बेटा, अब आप इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं, राष्ट्रीय जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो राष्ट्रीय, अभी आप बताऊं सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को चल रही है, उसमें राष्ट्रीय जनसंख्या में नीतियों में मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर की प्रति 1000 से 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी एवं बीमारी बच्चों से छुटकारा दिलाना। तो आप देखिएगा वर्तमान में पल्स पोलियो अभियान भारत में तेजी से चल रहा है। फिर लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जनहित केंद्रित कार्यक्रम चला बनाना, और देश में विवाह दरें संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, और किशोर एवं किशोरियों के लिए असुरक्षित यौन संबंध को कुप्रभाव के बारे में उनको क्या करना, शिक्षित करना, और सेवाओं मतलब जो गर्भनिरोधक सेवाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए खरीदी और वितरण बनाना, और खाद्य संपूरक पौष्टिक मतलब जो पौष्टिक मतलब जो सेवाएं हैं उनको क्या करना, खाद्य संपूरक मतलब जो खाद्य संबंधी जितनी भी पौष्टिक सेवाएं हैं उनको क्या करना, उपलब्ध कराना। ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं हो गई बेटा। अब इसके बाद है आपको परीक्षा की दृष्टि से मैंने छोटे छोटे प्रश्न बताए बेटा, आप इनको कॉपी में लिखोगे, याद करोगे। धन्यवाद बच्चों।